लिए 12 फरवरी का दिन कैलेंडर का एक आम दिन है। परेशानी जिनको हो रही है सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। तेजस्वी जी ने जो कहा खेल शुरू है खत्म हम करेंगे, कोई भाई नहीं। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। हम जहां हैं वहां रहेंगे और पत्थर के खुट्टा की तरह से अंत अंत तक रहेंगे। कल सोमवार 12 फरवरी को बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। सोमवार को नीतीश सरकार अपनी अग्नि परीक्षा से गुजरेगी। इस बीच फ्लोर टेस्ट को लेकर सियासी माहौल भी गर्माने लगा है। आरजेडी, जदयू और कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर भी सताया हुआ है। कांग्रेस के विधायक कई दिनों से हैदराबाद की बिरयानी खा रहे हैं, तो वहीं आरजेडी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना तलब कर लिया है। बीजेपी और जदयू के विधायक भी पटना और बोधगया में ही रहेंगे। इस बीच मामले को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के भी बड़े बयान सामने आए हैं। दोनों ने 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे लिए 12 फरवरी का दिन कैलेंडर का एक आम दिन है। परेशानी जिनको हो रही है सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे, कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के अंदर अंत्याक्षरी हो रही है, लोग छोटी छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। एक अखबार ने आज सुबह अपने हेडलाइन में ये खबर छापी, मैं ये चाहता हूँ आप लोग देखें। अपने आप को बड़ा अखबार कहते हैं और इनसे जुड़ा इसी अखबार की खबर को एक टेलीविजन चैनल ने चलाया। काश कि मैं आपको कह सकता हमारे विधायक, एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है। और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा, दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर बीजेपी, जदयू और आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है कि यह फ्लोर टेस्ट नीतीश सरकार के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। नीतीश कुमार की नई सरकार में सहयोगी जीतन राम मांझी की बीते दिनों खुलकर नाराजगी भी देखने को मिली थी। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है। गठबंधन के टूटने पर कांग्रेस ने मांझी को सीएम पद का ऑफर तक दिया है। बहरहाल देखना होगा कल बिहार में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।